हूँ जो कि है चैप्टर मोशन का फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वो जो है हमारी स्केलर और वैक्टर क्वान्टिटी होती हैं। तो देखिए हमारे पास बेसिकली दो टाइप की क्वान्टिटीज़ होती हैं। पहली जो है वो है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी जो है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। आज हम यही दो क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो देखिए क्वांटिटी क्या होती हैं, यहाँ पर डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएं, क्वांटिटी एक अमाउंट या फिर एक नंबर होता है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज फॉर मेज़रमेंट। क्लियर। यानी क्वांटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको हम मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सपोज़ करिए यहाँ पर ये क्या है, ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी का ग्लास है। इस ग्लास में मुझे देखना है कितना पानी है, तो मैंने मेज़र किया तो इस ग्लास में था 15 ml पानी। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो 15 ml है ये क्या है, क्वांटिटी है पानी की ग्लास में। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल से अगर बताऊँ, तो देखिए दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह है। जैसे ये प्लेट है, इसमें टोटल कितने सैंडविच रखे हुए हैं, 4। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो 4 सैंडविच हैं क्या है, क्वांटिटी है सैंडविच की प्लेट में। तो ये जो 4 नंबर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक नंबर है। तो ये जो 4 है ना, ये क्या है, ये क्वांटिटी है। क्लियर। और यहाँ मेज़रमेंट किसका हो रहा है, सैंडविच का हो रहा है, कि कितने सैंडविच हैं यहाँ। क्लियर हो गया। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल से अगर और क्लियर करूँ इसे, तो यहाँ पे देखिए प्लेट में एप्पल्स रखे हुए हैं। अब यहाँ कितने एप्पल्स हैं, टोटल 2। तो यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये जो नंबर, ये क्या है, क्वांटिटी है किसकी, एप्पल्स की। क्लियर। ऐसे बिल्कुल जैसे आपने किसी चीज़ का मेज़रमेंट किया, मेज़रमेंट करके, जैसे सपोज़ करिए आपने किसी चीज़ की लेंथ नापी, सही है, आपने जैसे लेंथ नापी, तो लेंथ आई मान लीजिए 5 meter। तो जो 5 है वो क्या है हमारे पास, क्वांटिटी। क्लियर। 5 meter। तो क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल एक नंबर होगा जो मेज़रमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। मेज़रमेंट कैसा भी हो सकता है, या तो आप लेंथ का मेज़रमेंट कर सकते हैं, ब्रेथ का कर सकते हैं, वॉल्यूम का कर सकते हैं, एरिया का कर सकते हैं, और काफ़ी सारे मेज़रमेंट होते हैं। क्लियर। तो ये है क्वांटिटी का मतलब। क्लियर। अब देखिए अब हम वापस आ जाते हैं। इससे पहले आपको मैं मिलाना चाहता हूँ अपने एक नए स्टूडेंट से जिसका नाम है मिस्टर कालू। तो वो मेरे साथ नए ऐड हुए हैं। सर जी, मेरी आज तक ही समझ में नहीं आया स्केलर एंड वेक्टर होते क्या है। सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ। सर आप कुछ इजी तरीके में बताइए, क्योंकि ये पल्ले नहीं पड़ते, कभी वो स्केलर होता है कभी वो वेक्टर होता है, तो पता ही नहीं चलता कब हमें स्केलर यूज़ करना है कब वेक्टर यूज़ करना है। तो प्लीज़ बताइए सर, ये मेरा सबसे बड़ा डाउट है। यहाँ पर जो कालू है हमारे नए स्टूडेंट, उनका भी यही डाउट है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। पहले अगर आप समझना चाहते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए दो टर्म। वो दो टर्म क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड के बाद फिर आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होती है। अगर ये आपको दो टर्म क्लियर हैं तो आप स्केलर और वेक्टर में आराम से फ़र्क पता कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे, क्योंकि उनमें जो यूज़ होगा इन दोनों टर्म्स का यूज़ होगा। तो आपको अगर ये क्लियर नहीं है तो सारा कुछ सर के ऊपर से जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है। मैग्नीट्यूड जो होता है यहाँ पे वो क्या होती है, एक न्यूमेरिकल और कांस्टेंट वैल्यू होती है। सही है। आपने देखा वो कोई भी डिजिट हो उससे हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए ये जो बच्चा है इसके हाथ में लगा हुआ है मीजरिंग टेप, सही है, जिसको हम फीता बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी डिस्टेंस नाप सकते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ नाप सकते हैं। क्लियर। कोई लंबाई नाप सकते हैं, कोई चौड़ाई नाप सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब कोई भी चीज़ हम मेज़र करते हैं तो उसकी एक वैल्यू निकल के आती है कि ये 5 meter लंबाई, 10 meter चौड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं एक और एग्जांपल से, जैसे ये जो बच्चा है इसको बहुत टेंशन है अपनी हाइट की। क्लियर। इसकी हाइट बढ़ नहीं रही, तो इसने क्या करा, मीजरिंग टेप से अपनी हाइट नापी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसने जैसे ही अपनी हाइट नापी तो हम देखते हैं इसकी हाइट कितनी आई। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो हाइट है जब इसने नापी तो वो आई 72 centimeter। क्लियर। और ये जो 72 आपको दिख रहा है, क्लियर, यहाँ पे जो 72 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई 72, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं आपको
एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आदमी है, पहले देखिए सबसे पहले ये जो आदमी इतना मोटा है कि इसने ओवर ईटिंग कर करके अपना फैट बढ़ा लिया है। तो बच्चों आप भी सुन लीजिए, ओवर ईटिंग हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, तो प्लीज़ अगर आप करते हैं तो उसे अभी के अभी अवॉइड करें। तो देखिए ये जो आदमी है यहाँ पर, ये अपना वेट नापना चाहता है, ये किस पर खड़ा हुआ है, वेटिंग मशीन पर। तो हम देखते हैं इस आदमी का कितना वेट आया। तो हमने देखा यहाँ पर वेटिंग मशीन में कितना लिखा आया था, 100 kg। यहाँ पर इस पर्सन का वेट कितना है, 100 kg। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो 100 है, क्लियर, 100 आपको दिख रहा है, 100 kg, ये इसी को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो आप देख सकते हैं बार बार मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो नंबर होता है या फिर कोई कांस्टेंट नंबर या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए एक और एग्जांपल से अगर मैं बताऊं मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले ये है हमारा मीजरिंग टेप, क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, इस मीजरिंग टेप से एक घर की लेंथ नापेंगे, क्लियर। अब सबसे पहले घर देख लेते हैं, घर ये रहा, देखिए कितना शानदार घर है। तो हम चाहते हैं इस घर की लेंथ कितनी है, यानी कितना लंबा घर है ये, सही है। तो हमने क्या करा, ये टेप फिट करा यहाँ पर, और हमने देखा कि यहाँ पर इस टेप से हमने लेंथ नापी तो वो आई 21 meters, क्लियर। अब अगेन यहाँ पे जो 21 मीटर है ये क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड, क्लियर। जो 21 न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, क्लियर हो गया आपको। तो मैग्नीट्यूड सिंपल क्या होता है, एक कांस्टेंट या फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। हम बढ़ते हैं डायरेक्शन की तरफ। अब हम आते हैं डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए डायरेक्शन आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आर कॉल्ड डायरेक्शंस, क्लियर। अब देखिए इसी से बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर इसको और अच्छे से समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर किया है मैंने, यहाँ पर चारों डायरेक्शन बना रखे हैं, सही है। अब यहाँ पर देखिए जो ईस्ट डायरेक्शन आपको दिख रही है, ईस्ट डायरेक्शन पे यहाँ पर एक देखिए इंसेक्ट बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो इंसेक्ट है ये देखते हैं जाता किधर है। तो देखिए ये जो इंसेक्ट है ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम फिक्स ईस्ट की तरफ, क्लियर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये जो इंसेक्ट है इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है और किधर है, ईस्ट की तरफ। अब देखिए दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कि आप जानते ही होंगे इसको, बहुत फैमिलियर होंगे, ये है हमारे पास बैटमैन, क्लियर। अब ये अपनी उड़ान भरने वाला है, हम देखते हैं जाता किधर है, क्लियर। तो हमने देखा ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर का मतलब कौन सी डायरेक्शन लिखी हुई है, नॉर्थ। तो हम कहेंगे ये जो बैटमैन है इसके पास भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ, फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना, क्लियर। तो यहाँ पे एक किधर गया, नॉर्थ साइड गया, तो ये हो गई इसकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जंगल का राजा शेर आ गया यहाँ पर, सही है। अब देखिए अब ये देखते हैं शेर जाता किधर है अपना शिकार करने। तो हमने देखा ये जो शेर है ये इधर वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्लियर। तो ये जो वेस्ट आपको दिख रहा है ये क्या होगा, इस शेर की एक डायरेक्शन होगी, क्लियर, जो कि बहुत फिक्स है। अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल देखें, तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉल है, अब बॉल क्या होता है, देखते हैं किधर जाती है बॉल, ये बॉल देखिए नीचे गिर गई। तो यहाँ पे ये बॉल हमने देखी ये किधर गई, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड में कौन सी डायरेक्शन लिखी हुई है, साउथ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन का मतलब होता है ये जो चार डायरेक्शन आपको दिख रही है इधर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ के चलता है तो हम उसे कहेंगे इसकी वो फिक्स्ड डायरेक्शन है, क्लियर। अब देखिए डायरेक्शन क्या होता है, ये चार ही नहीं होती, टोटल हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं। तो देखिए यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है जो इंसेक्ट है उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं इस इंसेक्ट के पास क्या है, एक अपनी खुद की एक डायरेक्शन है, क्लियर। तो आपको डायरेक्शन वर्ड का मतलब भी क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं, क्लियर। कौन कौन सी, सबसे पहले होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो चार डायरेक्शन है इनके बीच बीच में भी क्या होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं जो आपको डार्क एरो से दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्लियर। एनी का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और साउथ के बीच में होती है साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में होती है साउथ ईस्ट, क्लियर। टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शन होती हैं। इन डायरेक्शंस में बॉडी कहीं भी मूव कर सकती है, अगर इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बॉडी मूव कर रही है तो हम कहेंगे उसके पास फिक्स्ड डायरेक्शन है, क्लियर।
अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कोई जब कीड़ा वगैरह ज़मीन पर रेंगता है, चलता है, तो उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो कहीं भी जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये कॉकरोच है, तो ये कॉकरोच क्या करेगा, ग्राउंड पर चल रहा है, तो जैसे हम देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है। तो देखिए सबसे पहले इधर गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर इधर मुड़ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कॉकरोच है इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं, ये कहीं भी आड़ा टेढ़ा घूम रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं यहाँ पे ये जो कॉकरोच है इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इट हैज़ नो डायरेक्शन, क्लियर। तो आपको दोनों इमेजेस में क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ डायरेक्शन फिक्स हो, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था वहाँ डायरेक्शन होगी, तो बॉडी रैंडमली कहीं भी मूव कर रही है वहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपना वही टॉपिक पर वापस से। अगर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया हो, तो अब हम देखते हैं जो क्वांटिटीज़ हमने बनाई थी उन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सही है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, यहाँ डेफिनेशन में देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, बट नो फिक्स डायरेक्शन, उनके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल की बात करें डिस्टेंस, क्लियर। अब देखिए मैग्नीट्यूड अभी मैंने आपको बताया, इसमें स्केलर क्वांटिटी में होगा क्या, इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी पर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, समझ में आ गया। एग्जाम्पल डिस्टेंस, अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत एक अच्छी सी एक्टिविटी क्रिएट कर रखी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको आदमी खड़ा हुआ है पेड़ के पास, इस आदमी को अपने घर जाना है, इसका घर है, क्लियर। अब क्या करेगा, सबसे पहले इसका ये रोड मैप बना हुआ है, सबसे पहले ये जाएगा, आदमी देखते हैं कहाँ कहाँ से होकर जाता है अपने घर। तो देखिए सबसे पहले जो पर्सन है ये एरो नंबर 1 की डायरेक्शन में चलता है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले ये एरो नंबर 1 की डायरेक्शन में चला स्ट्रेट, फिर क्या होता है यहाँ से इसको मुड़ना है, तो ये एरो नंबर 2 की डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे देखिए ये रही एरो नंबर 2, फिर उसके बाद ये एरो नंबर 3 की डायरेक्शन में जाएगा, और फिर इसका जो फाइनल गोल है वहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी अपने घर पर पहुँच गया, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर एक काम और करूँ, ये जो रोड आपको दिख रही है मैंने इनकी डिस्टेंस और मेज़र कर रखी है, पर जो एरो नंबर 1 है, वो जो एरो नंबर 1 वाली जो रोड आपको दिख रही है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर, और फिर उसके बाद अगर बात करें एरो नंबर 2 वाली रोड, उसकी लेंथ 15 मीटर और 3 वाली की 15 मीटर, क्लियर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो आदमी था इसने क्या करा, यहाँ पर पहले बताइए आप लोग इस पर्सन की कोई फिक्स डायरेक्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं इसने कितनी बार डायरेक्शन चेंज की। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शन के लिए देखिए डायग्राम भी दिखा रखा है। सबसे पहले अगर ये एरो नंबर 1 वाली रोड पे जाएगा तो इसकी क्या डायरेक्शन होगी, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन वाले फिगर में ईस्ट, क्लियर, ईस्ट की एरो इधर ही बनी हुई है एरो नंबर 1 की डायरेक्शन में, तो इधर की साइड कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, क्लियर। सबसे पहले आदमी किस डायरेक्शन में चल रहा था, ईस्ट में, फिर बाद क्या हुआ, इसने यहाँ से टर्न लिया, जैसे इसने टर्न लिया तो ये एरो नंबर 2 की तरफ गया। अब देखिए एरो नंबर 2 है ऊपर की तरफ, और यहाँ इसमें देखिए फिगर में एरो नंबर 2 जो ऊपर है उसमें डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ, फिर ये गया नॉर्थ में, फिर उसके बाद ये एरो नंबर 3 की तरफ मुड़ा और ये कौन सी अगेन डायरेक्शन आ गई, ईस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टोटल कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई, 3 बार, पहले ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर दोबारा से ईस्ट, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आदमी की जो डायरेक्शन है वो बहुत चेंज हो रही है बार बार, क्लियर। तो यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज हो, क्लियर, कोई फिक्स ना हो, तो हम कहेंगे इट हैज़ नो डायरेक्शन, क्लियर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इन दिस कंडीशन देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ मैन, बट अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जब ये यहाँ से गया अपने घर तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, यानी इसने कितनी दूरी कवर करी अपने घर तक। तो हम देखेंगे सबसे पहले, देखिए ये रोड नंबर 1 पे गया तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर अगेन 15 मीटर। तो यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबको ऐड करना पड़ेगा टोटल के लिए, 5 + 15 + 15, तो तीनों का एडिशन आया 35 मीटर, क्लियर। तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी वो कितना करी, 35 मीटर। तो ये जो 35 मीटर है क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, ये बताया था नंबर है, नंबर क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे आपको क्या फिगर में समझ में आया, पहली बात पर्सन के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, क्लियर, नो फिक्स डायरेक्शन, और दूसरी बात इसके पास मैग्नीट्यूड है, क्लियर।
तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। क्योंकि डिस्टेंस जब कवर होती है तो वहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, कोई फिक्स डायरेक्शन होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है कि तुम कितनी दूर तक गए, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन भी हो, क्लियर। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है, वहाँ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी। यहाँ पर दोनों चीज़ होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो ट्रेन है अपने ट्रैक पर चलेगी, क्लियर। अब देखते हैं ट्रेन पहले किधर जाती है, तो देखिए हमने देखा ये जो ट्रेन है ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा, सही है। इस ट्रेन ने कहाँ किस डायरेक्शन में मोशन किया, ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने साथ ही साथ ये नोट कर लिया कि जब ट्रेन स्टार्ट हुई और लास्ट में जाके जहाँ रुकी वहाँ की हमने डिस्टेंस और नापी टोटल कितनी दूर तक गई, तो हमने देखा ये जो ट्रेन है ये 10 किलोमीटर दूर तक गई, क्लियर। और किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 10 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। अब बात आती है यहाँ पर डायरेक्शन तो है भाई, चलो ईस्ट है, और यहाँ पर 10 किलोमीटर यानी 10 भी आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीज़ें। तो यहाँ हम डिस्टेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सही सोचा, डिस्टेंस यहाँ गलत है, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो फ़र्क आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा फ़र्क है, अगर यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो आप डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीज़ में फ़र्क समझिए, डिस्टेंस तब लगाना जब जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड हो, डिस्प्लेसमेंट तब यूज़ करना है जब आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हों, बस ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, क्लियर। देखिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ इसकी, इसी पे बेस्ड। तो यहाँ पर देखिए आपको फिगर दिख रहा है अच्छे से, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये जो पर्सन खड़ा हुआ है, जाना है जनरल स्टोर यानी स्टोर में जाना है शॉपिंग करने के लिए, ये जो आपको दुकान दिख रही है छोटी सी, इस दुकान के पास जाना है, क्लियर। अब क्या होगा, जब ये पेड नंबर 1 से जाएगा तो इसके पास एक रास्ता बिछा हुआ है, क्लियर, यहाँ पहुँचने के लिए। अब क्या होगा, देखिए देखते हैं कैसे कैसे जाता है। सबसे पहले जाएगा ये ट्री नंबर 1 से ट्री नंबर 2, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 5 मीटर। फिर ये जाएगा ट्री नंबर 2 से ये जो शॉप है 3, शॉप नंबर 3 की तरफ, क्लियर। तो हमने देखा यहाँ पर पहले 1 से 2 गए, फिर 2 से 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो था आपने अभी जो देखा 1 से 2 फिर 2 से 3, क्या था, एक लंबा रास्ता था। अब वो इसके बजाय और कैसे जा सकता था, आप देख सकते हैं इसके अलॉन्ग, यानी ये जो आपको एरो दिख रही है, जो आपको एरो दिख रही है 1 से 3 डायरेक्ट, ये ऐसे भी जा सकता था। तो आप फ़र्क कर सकते हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ पे एक आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है 1 से 3 वाला रास्ता, ये क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में क्या होता है, शॉर्टकट। और ये आप देख सकते हैं ये जो गया 1 से 2, 2 से 3, ये क्या है, एक लॉन्ग कट, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस, क्लियर। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालूँ, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस के लिए हमेशा ध्यान रखें लॉन्ग कट यूज़ करना। लॉन्ग कट क्या है, पहले 1 से 2 कितनी है, 5 मीटर, फिर 2 से 3 कितना आ गया, 5, तो 5 + 5 कितना आ जाएगा, 10 मीटर, तो ये आ गए हमारे पास डिस्टेंस। और आप देख सकते हैं डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि पहले ही किधर गया, नॉर्थ की तरफ। देख सकते हैं आप यहाँ डायग्राम बना रखा है मैंने डायरेक्शन का, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो ये पहले गया नॉर्थ, फिर इधर साइड मुड़ा, इधर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो यहाँ इसकी 2 डायरेक्शन आ गई, फिक्स है नहीं, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो था, इसने 10 मीटर चला, पर इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में देखिए इसने शॉर्टकट अपनाया, 1 से 3 जा सकता था, तो 1 से 3 में ही कितना चला, 8 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास 8। और इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, देखिए कौन सी डायरेक्शन है बताइए, ये जो 1 से 3 गया तो ये कौन सी डायरेक्शन है, देखिए एरो वाले डायरेक्शन वाले डायग्राम में देखिए आप, इसमें जो एरो आई है अभी जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, क्लियर। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि टोटल 8 डायरेक्शन होती है, उनमें से एक होती है नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो पर्सन है किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ ईस्ट में।
यहाँ पे हम क्या क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड है 8 मीटर, यानी हमने नाप लिया कितनी दूर तक गया, और इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है, वो कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, यानी किधर की तरफ गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो हम कह सकते हैं सिंपली डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्लियर हुआ आपको? अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछते रहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए, पहले हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन, फिर उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। और सिंपल फ़र्क यही है, स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर में दोनों चीज़ें होती हैं। अब आ गया सर समझ में, ये था एक्चुअल में। थैंक यू वेरी मच सर।